नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। देश भर के मुसलमानों के लिए 2 साल के लंबे वनवास के बाद अब हज के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यूपी के सभी जिले से हज पर जाने वालों की फ्लाइट शुरू हो चुकी है, जिसमें उत्तर प्रदेश से लगभग मुस्लिम समाज के लोग सऊदी अरब हज के लिए रवाना होंगे। वहीं अलीगढ़ में भी 8,000 लोगों को हज पर जाने से पहले हज ट्रेनिंग का विशेष कार्यक्रम का आयोजन अलीगढ़ के ख्वाजा गार्डन में किया गया। इस दौरान हज ट्रेनर ने हज के दौरान आने वाली परेशानियों और हज करने का तरीका समझाया। साथ ही सरकार के माध्यम से सभी हज जाने वालों के लिए सूटकेस दिया गया है। साथ ही सभी हज यात्रियों के वैक्सीनेशन, कोविड-19, पोलियो और फास्ट वैक्सीनेशन लगाई गई है, ताकि इससे हज जाने वालों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सके। इधर इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रही। यहाँ पे जो इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। हम लोग को कई सारे हदिया भी मिले हैं, और जो वैक्सीन्स हैं, तीनों वैक्सीन्स, इन्फ्लुएंजा की, मेनिंगोकोकस की और ओरल पोलियो वैक्सीन, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और यहाँ की जो शहर की मशीनरी है उसकी तरफ से इंतजाम था CMO ऑफिस की तरफ से। तो बहुत आसानी से वो वैक्सीन भी लग गई, और पहली बार सूटकेस भी मिल रहे हैं इस बार आज़मीन है हज को सबको। तो अच्छा इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक से ये दुआ है कि हज पे हम सब लोग जा रहे हैं, हमारा अल्लाह पाक आसान हज जो है का सफ़र आसान फरमाए और कबूल फरमाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 55,000 से ज़्यादा वोटों से चंपावत का चुनाव जीता है। इसी खुशी में गदरपुर क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता पूर्व कैबिनेट मंत्री, गदरपुर क्षेत्र के विधायक अरविंद पांडे के निवास पर पहुंचे और ढोल के लगाड़ों के साथ मिठाइयां बांटते हुए नजर आए। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा से लगभग 55,000 से ज़्यादा वोटों से जीते हैं, और इसकी खुशी साफ तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं में देखने के लिए मिल रही है। उप चुनाव जो चंपावत का हुआ है, मैं इस चुनाव के लिए सबसे पहले चंपावत की विधानसभा की महान जनता को मैं धन्यवाद दूंगा और उनको बधाई दूंगा, क्योंकि चंपावत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो नए हिंदुस्तान के निर्माण के लिए अभियान चला रखा उन्होंने, और उसी अभियान को हमारी से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे बढ़ाया है। इन चीजों को चंपावत विधानसभा की जनता ने बड़े मन के साथ स्वीकार किया है। इस जीत की चंपावत की महान जनता को बधाई, और पुष्कर सिंह धामी जी को जीत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। लक्सर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरण कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वरिष्ठ भाजपा नेता साधुराम वर्मा ने कहा कि उत्तराखंड के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने 4 महीने के अंतराल में उत्तराखंड का चौमुखी विकास किया है, और अब तो उनको क्षेत्रीय जनता ने एक बार फिर उत्तराखंड का युवा मुख्यमंत्री बनाया, जिससे उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा। धामी विजय हुए हैं, सब कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और पूरी खुशी की लहर है पूरे उत्तराखंड में, और भारी मतों से विजय प्राप्त हुई है, और जैसे पहले से काम कर रहे थे उससे भी बेहतर आगे अपना कार्य करेंगे निष्ठा से। भारतीय जनता पार्टी खानपुर विधायक उमेश कुमार ने एक अनोखी पहल शुरू की है। खानपुर विधानसभा लक्सर विधानसभा में भी अभी से पहले ये कार्य अब तक किसी भी विधायक ने नहीं किया। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने गरीब और अनाथ कन्याओं की शादी करने की पहल की है। लोग खूब बढ़ चढ़कर खानपुर विधायक की तारीफ कर रहे हैं, लोग इसे सराहनीय कार्य बता रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल, उसके आसपास अचानक मौसम के करवट बदल जाने से तेज हवाओं के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ओलावृष्टि के पड़ने से ठंड में भी इजाफा हुआ है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लिया है।
भारद्वाज मेमोरियल ट्रस्ट ने चामुंडा मंदिर के पास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जरूरतमंद बच्चों को मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के हाथों से स्टेशनरी वितरित की गई। इस दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए आधार कार्ड और नेत्र जाँच शिविर भी लगाया गया। ऊधम सिंह नगर के नानकमत्ता थाना पुलिस ने डबलिंग गैंग का सरगना गिरफ्तार किया है। गैंग का पर्दाफाश भी किया है। डबलिंग करने वाले ग्रुप के पास से 8 लाख रुपए और 1 12 बोर बंदूक और स्विफ्ट कार बरामद की है। डबलिंग गैंग ने षड्यंत्र बनाकर योजना बनाई और रुपए दोगुने करने का झांसा देकर अभियुक्तों को अपनी बातों में फंसा लिया और उनको यकीन दिलाया कि वो लोग रुपयों को दोगुना कर देते हैं। वहीं पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस घटना का पर्दाफाश करने के लिए विशेष प्रकार की टीम का गठन किया गया था। वहीं गठित पुलिस टीम ने बहुत जल्द ही गैंग के मास्टरमाइंड सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा की किरावली तहसील की किरावली क्षेत्र में उप जिलाधिकारी अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त कर कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। थाना फतेहपुर सिकरी क्षेत्र के गांव सहनपुर में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा बने पक्के निर्माणों को ध्वस्त किया गया। फतेहपुर सिकरी के अंतर्गत गाँव सहनपुर में ग्राम सभा की जमीनों पर से कब्जा हटवाया गया है। ये जमीन में पंचायत भवन बनना है और इसके अतिरिक्त खेल का मैदान और आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। ये लगभग 1.5 एकड़ जमीन है, जिसमें 1.5 एकड़ जमीन में लोगों ने कुछ ने चार दीवारी बना के 15-16 पक्के निर्माण, भूसा गोदाम वगैरह, गाय भैंस बांधना, इस तरह के निर्माण किए हुए थे और एक पक्की दुकान थी, जिन्हें आज सबको ध्वस्त करके कब्जा मुक्त कराई गई है जमीन। आगरा के चत्ता पुलिस ने गैंगस्टरों पर 14A के तहत कार्रवाई करते हुए लगभग 4 करोड़ की संपत्ति सीज की है, जिसमें युवक के आलीशान मकान, स्कूटर, मोटरसाइकिल के अलावा कई लग्जरी गाड़ियों को भी पुलिस ने सीज किया। साथ ही 2 गैंगस्टर्स पर भी कार्रवाई की है। बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के तुलसीपुर दरियापुर जंगल में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को अपनी बेटी के सामने मौत के घाट उतार दिया। बेटी ने जब इस वारदात का एक हफ्ते बाद खुलासा किया तो हड़कंप मच गया। घटना के खुलासे के बाद सोनहा पुलिस ने आरोपी महिला कंचन, उसके प्रेमी नासिर निवासी तिलिया थाना खुड़रा जिला गोंडा के खिलाफ हत्या कर शव छिपाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। संभल के झोला छाप के इलाज से एक महिला की मौत हो गई है। ऑपरेशन के दौरान बच्चा होने के तुरंत बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस को मौके पर देख आरोपी झोला छाप डॉक्टर मौके से फरार हो गया। बता दें कि संभल जिले में अवैध रूप से चल रहे तमाम झोला छाप क्लिनिक स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से ये झोला छाप डॉक्टर्स लोगों का इलाज कर रहा था। ग्राम मुजफ्फरपुर का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये पूरा मामला श्रावस्ती के मेहरौली रामपुर ककरा गांव का है, जहां पर बीती रात एक युवती की बारात आने वाली थी, लेकिन दूल्हा जब देर तक बारात लेकर नहीं पहुंचा तो पता चला कि सुजीत पहले से ही शादीशुदा है और दिल्ली में एक लड़की से कोर्ट मैरिज कर चुका है। वहीं दिल्ली में हुई लड़की की शादी को जब युवक की शादी की भनक लगी तो उसने श्रावस्ती पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने युवक को कस्टडी में ले लिया है। बदायूं में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा मोदी सरकार के 8 वर्ष के पूरे होने पर मोदी सरकार की जनकल्याणकारी उपलब्धियों के फोल्डर का विमोचन, चर्चा की और केंद्र सरकार के लाभार्थियों को सम्मानित किया। बीजेपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधामोहन दास अग्रवाल, सुरेंद्र कुमार नगर डॉक्टर की लक्ष्मण, मिथिलेश कुमार, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव राज्यसभा सदस्य बने हैं। वहीं सपा से जावेद अली राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। सपा समर्थित कपिल सिब्बल और एलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। सहारनपुर में सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। सहारनपुर में नगर निगम की टीम ने दिल्ली रोड से लेकर कलेक्ट्रेट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगर निगम के प्रवर्तन दल के प्रभारी वीएस नेगी ने बताया कि अतिक्रमण करने वालों को पहले भी चेतावनी दी गई थी कि अतिक्रमण कहीं भी दिखाई दिया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन बेदी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन बेदी के जिला अध्यक्ष तौहीद अली ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में भारतीय किसान यूनियन बेदी के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। हमारा आज राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी जी का आदेश हुआ था कि प्रदेश के वे देश के किसानों की समस्याओं को लेकर हमने डीएम साहब को एक ज्ञापन देना था, जिसमें हमने अपनी विशेष मांगे रखी है कि प्रदेश के किसानों के साथ जो प्रदेश की सरकार ने एक वादा किया था चुनाव से पहले कि सरकार बनने पर किसानों के जो ट्वेल पर मीटर लगने का पर काम चल रहा है वो मीटर नहीं लगेंगे। गगनहेड़ी के सहारनपुर देहरादून मार्ग पर स्थित हिंडन नदी पुल के निकट राजकीय कन्या कॉलेज पहुंच डीआईओएस रविदत्त और डीआईओएस विनोद कुमार ने प्रधानाचार्य श्रीमती शीतल द्वारा बताई गई जल निकासी की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कॉलेज का निरीक्षण किया। प्रधानाचार्य शीतल ने बताया कि कॉलेज की चार दीवारी और जल निकासी की बड़ी समस्या है। बरसात के दौरान कॉलेज में सांप और बिच्छू आ जाते हैं। सरोवर अग्नि नैनीताल में इन दिनों उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सिखों के पांचवें गुरु श्री अर्जुन देव जी को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यपाल ने शहीदों के सरताज कहे जाने वाले वीर योद्धा श्री गुरु अर्जुन देव को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे धर्म रक्षक और मानवता के सच्चे सेवक थे। यमुनोत्री पैदल यात्रा मार्ग पर विभिन्न विभागों द्वारा चलाया गया वृद्ध रूप से सफाई अभियान। विभिन्न राज्यों से तीर्थ यात्रियों ने यात्रा व्यवस्था के बेहतर संचालन को लेकर जिला प्रशासन की प्रशंसा की है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।